लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सड़क दुर्घटना में एक ही मौत, हंगामा संवाद सूत्र, कोर्ट का हाथा। जादूगोड़ा सड़क पर पोटका थाना क्षेत्र स्थित कालिकापुर के समीप रविवार की शाम 4 बजे ट्रेलर ने बाइक को पीछे से ठोकर मार दी। उस पर सवार दो भाइयों में छोटे भाई आशुतोष गोप की मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई बाबूलाल गोप गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल बाबूलाल गोप को इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाथा जादूगोड़ा सड़क को जाम कर दिया। देर शाम पोटका थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह और अंचलाधिकारी द्वारिका बैठा के आश्वासन पर लोगों ने जाम हटाया। इससे पहले प्रखंड के धिरोल निवासी आशुतोष गोप और बाबूलाल गोप नई हीरो सीडी डिलक्स बाइक से जादूगोड़ा से अपने घर की ओर आ रहे थे। कालिकापुर के समीप ट्रेलर पीबी 9863 ने पीछे से धक्का मार दिया। इसी दौरान एक कार्यक्रम में शामिल होकर बहरागोड़ा लौट रहे विधायक कुणाल षडंगी और जिला पार्षद संजीव सरदार घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों घायलों को संजीव सरदार अपनी गाड़ी से लेकर पोटका CHC पहुंचे। अस्पताल लाने के क्रम में छोटे भाई आशुतोष गोप की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल बड़े भाई बाबूलाल गोप को अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने के कारण जमशेदपुर भेज दिया गया है। घटना के बाद ट्रेलर का चालक और खलासी ट्रेलर छोड़ भाग गए। पोटका थाने की पुलिस ने पुलिस घटना स्थल पर पहुंच ग्रामीणों से वार्ता कर जाम खत्म कराया। पोटका अंचलाधिकारी द्वारिका बैठा ने कहा कि मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही ट्रेलर मालिक से बातचीत कर मुआवजा दिलाने का प्रयास होगा। मृतक के पिता शरद चंद्र गोप ने 30 लाख मुआवजे की मांग की है।